टोक्यो ओलंपिक में 41 वर्षों के बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर भारत का सर पूरे दुनिया में ऊंचा किया और सम्मान दिलाया। खिलाड़ियों के सम्मान में 41 वर्षों बाद मिली जीत को मनाने के लिए पूरा देश सड़कों पर उतरा। उसी कड़ी में आज निरसा में भारत स्वाभिमान तथा पतंजलि योगपीठ के बैनर तले भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक मंजित सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता तिरंगों से लैस होकर सड़क पर उतरे और भारत माता की जय जयकार का नारा लगाते हुए नगर भ्रमण किया। सभी कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए तिरंगा ध्वज को सम्मान से लहराया और खिलाड़ियों के साथ पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाते हुए भारत माँ की जय जयकार के नारे लगाए। आयोजन तो हमारा देश का मान सम्मान आज पूरे विदेशों में ऊंचा हुआ है। 41 साल का मैंने समय कम नहीं होता है। 41 साल बाद हमारे देश के जांबाज खिलाड़ियों ने गौरव को फूल चटाकर आज हमारा पदक जीता है। इस पदक के लिए पूरे खिलाड़ियों का सम्मान में हमारा पूरा देश घूम रहा है, देश डांस कर रहा है, देश नाच रहा है, देश खुशी से फूला नहीं समा रहा है। और उस खिलाड़ियों के सम्मान में आज हमारे पतंजलि परिवार, भारत स्वाभिमान न्यास, सारे कार्यकर्ता मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकाले हैं और तिरंगा यात्रा में आप लोग देख ही रहे कितना उत्साह है, किस तरह का उत्साह है, पूरे देश में उत्साह का वातावरण। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।